आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे अप्रैल 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है Realme Narzo N55। इस मोबाइल में आता है Android V 13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.72 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा MediaTek Helio G88। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 64+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 33 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 10,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 12 अप्रैल 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है Vivo T2। इस मोबाइल में आता है Android V 13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.62 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा Snapdragon का 695 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+12+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4700 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 44 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 17,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 11 अप्रैल 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है पोको F5। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा Snapdragon का 7+Gen2 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+8+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5500 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 67 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 26,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 अप्रैल 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Vivo X90। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा MediaTek Dimensity 9200। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+12+12 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4810 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 49,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 26 अप्रैल 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है Moto G23। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.5 इंच का HD+IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा MediaTek Helio G85। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+5+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 30 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 10,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 अप्रैल 2023। तो दोस्तों ये टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।